दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जा रहे हैं झांसी, और झांसी से जाना है हम लोगों को सिरणी, और सिरणी से जाना है सनी सिग्नापुर और नासिक। और हम लोगों का ये 5 दिन का टूर होने वाला है। तो मैं हूँ और मधुर है, मेरी चाची जी हैं और अंकल भी साथ में हैं, और मेरा भी छोटा भाई रोहित और मधुर अभी दोनों जा रहे हैं मेरे साथ में। तो अभी चलते हैं और 5 दिन का ये टूर है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी हम लोग बरुआ सागर रेलवे स्टेशन पर हैं, यहाँ से जाएंगे हम लोग झांसी, और झांसी से अपनी जो ट्रेन है वो पकड़ेंगे, और कल हम लोग दोपहर 11-12 बजे के टाइम पहुँच जाएंगे कोपरगांव। और कोपर लोग बरुआ सागर रेलवे स्टेशन है, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर हमारी जो ट्रेन है वो आने वाली है। फिर चलते भी आ चुका है, और अभी हम लोग 5 प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हैं। जो हमारी ट्रेन है बरुआ सागर से आई थी, अभी हम लोग आए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, और अभी हमें जो ट्रेन है वो आनी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं, पहुंचते हैं, और फिर खाना पीना भी खाना है। तो खाने में लोग वेटिंग हॉल में बैठे हैं, ये एसी वाला वेटिंग हॉल है, यहाँ पर अभी तीनों बैठे हैं, मदर और लोग बाहर गए हैं। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म पर हैं और खाना खा रहे हैं सभी लोग, लोग भी बैठे हैं, मैं भी साथ में बैठा हूँ, खाना खाते हैं। और जो हमारी ट्रेन है वो 12:30 बजे आ रही है, लेट हो गई है। हम लोग झांसी रेलवे स्टेशन पर हैं, हमारी जो ट्रेन है वो 12:30 बजे आ रही है रात में। तो मैं अभी थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए आया हूँ, रेलवे स्टेशन के बाहर आए थे। मधुर जिद कर रहा था कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो इसको कोल्ड ड्रिंक दिला दी है, अब इसको पिला देते हैं क्योंकि बहुत जिद कर रहा है बहुत टाइम से। मधुर ने तो कोल्ड ड्रिंक पी ली है, अभी थोड़ा सा मैं भी कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, केक खा लूँ। तो अभी केक का मज़ा लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक का मज़ा लेते हैं। हमारी जो ट्रेन है वो 12 बजे आने वाली है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, पहुंचते हैं, और हमारी जो ट्रेन है वो आने वाली है। तो वहाँ से अभी हम लोग बोतल वगैरह पानी वगैरह ही भर लेते हैं, चलते हैं, और फिर देखते हैं कि ट्रेन के लिए कितना टाइम है। हम लोगों का जो रिजर्वेशन है वो एसी के डब्बे में है, तो अभी चलते हैं, और इकोनॉमिक क्लास में है, तो अभी चलते हैं, M1 में है, पहुँचते हैं, ट्रेन आने वाली है, बहुत ही तेज़ी से जा रहे हैं हम लोग। ट्रेन आ चुकी है और हम लोग जा रहे हैं ट्रेन में बैठने के लिए। तो अभी रात की 12 बजे और हमारी जो ट्रेन है वो चल चुकी है, और ये हमारा M1 है AC 3 टायर में। तो अभी चलते हैं और फिर सुबह मिलते हैं आपसे। दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह की 7 और हम लोग निकल चुके हैं इटारसी से आगे, और ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और मदर रोहित यहाँ पर बैठे हैं। तो ये दोस्तों इकोनॉमी क्लास है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सीट का सिस्टम होता है, एक सीट यहाँ होती है, ये बीच में है जो सबसे नीचे है। तो यहाँ पर ये सब कुछ आपको बेडशीट वगैरह और फ्लोर वगैरह भी मिल जाती है आपको। हर एक सीट पर आपको AC अवेलेबल है, और आपको जो है बेडशीट वगैरह भी जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी, और एक सीट पर 3 लोग बैठ सकते हैं, और ये 3 जो है लेटने के लिए है। तो ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, और मैक्सिमम जो है चार्जेस के साथ आप जो है अपना जो टिकट है बुक कर सकते हो। तो अभी बजे हैं सुबह की 8:30, और हम गरम गरम चाय पी रहे हैं, चाय का टेस्ट लेते हैं। दोस्तों, आप भी आ जाइए। अभी लोग नीचे बैठे हैं, हम लोग ऊपर बैठे हैं और चिप्स खा रहे हैं चुप चुप के। दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह की 8:30, और अभी हम लोग भुसावल पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी हम लोग ट्रेन के अंदर ही है, बहुत ही सुहाना जो मौसम है, और बारिश थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी आप बैक कैम से दिखाते हैं कि किस तरीके की जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है। तो बहुत तेज यहाँ पर हम लोग गेट पर खड़े हैं, तो बहुत जो हाथ है वो भीग गया है। चुके हैं भुसावल, और अभी बजे हैं सुबह की 9:30, और ये खड़ी हमारी ट्रेन। थोड़ा सा अभी हम लोग बाहर आए थे क्योंकि रात भर हो चुकी है बैठे बैठे ट्रेन में। और दोस्तों, भुसावल में दोस्तों यहाँ के जो केले होते हैं सबसे फेमस है पूरे भारत भर में। दोस्तों, यहाँ पर जो है केले जाते हैं भुसावल से, दोस्तों सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो यहाँ पर वो केले की होती है भुसावल के अंदर। तो अभी ट्रेन हम लोग अभी जाने वाली है, चलते हैं ट्रेन के अंदर। और हम लोग भुसावल पर रुक रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग केले ले लिए, 50 रुपये के 12 दिए। दोस्तों, यहाँ पर जो केले हैं यहाँ के फेमस केले हैं, तो अभी चलते हैं ट्रेन के अंदर बैठ के खाते हैं। हमारी जो ट्रेन है वो भुसावल से चल चुकी है, अभी हम लोग M1 AC कंपार्टमेंट में हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस तरीके का एंट्रेंस रहता है, यहाँ पर देखिए ये जो गेट रहता है ये स्लाइड वाला रहता है, इस तरह से आप अंदर जा सकते हो और बाहर आ सकते हो। तो ये स्लाइड वाला ये गेट इसलिए रहता है कि ये जो अंदर जो AC चल रही है उसकी जो
ठंडा के वो बाहर ना आए, उस तरीके से आप उस गेट को खोल कर अंदर और बाहर जा सकते हो। यहाँ पर देखिए आपको वॉशरूम वगैरह ही मिल जाते हैं, तो मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से कोई वॉशरूम है, यहाँ पर साफ सफाई है, ये यहाँ पर साफ सफाई भी काफ़ी अच्छी दी गई है, तो यहाँ पर इसको आप यूज कर सकती हो। और फैसिलिटी के साथ यहाँ पर आपको जो है वॉशरूम मिल जाता है, तो दिखा दिया है दोस्तों। और अभी मैंने आपको अपना जो सीट है हेलो भाई भाई ब्लॉग में मैं बहुत देर देख रहा हूं, ब्लॉग बना रहे हैं, मैं भी आ गया हूं, मुझे भी लाइक करना फॉलो करना। दोस्तों अभी दोपहर की 12 बज चुकी हैं और हमारी जो ट्रेन है वो अभी निकली है चालीसगांव एक रेलवे स्टेशन है। और अभी हम लोग इस रेलवे स्टेशन से निकले हैं, कम से कम यहाँ पर अभी आध घंटा जो हमारी ट्रेन है वो यहाँ पर रुकी रही, तो अभी चलते हैं आगे। हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो आने वाला है समथिंग, हम लोग 2:30 बजे के समथिंग पहुँचेंगे दोपहर में, तो अभी चलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग M1 इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं AC कोच में, तो यहाँ पर जो सुविधाएँ हैं बहुत अच्छी हैं। और दोस्तों ये आपको बेड सीट कंबल वगैरह मिल जाता है। तो दोस्तों अभी दिन के 2 बज चुके हैं और थोड़े टाइम में हम लोग पहुँच जाएंगे, तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रेन चल रही है या नहीं। तो दोस्तों अभी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, ये पूरा AC वाला कंपार्टमेंट है, यही देखने के लिए है। किधर है तो हमने इस ट्रेन को बोल दिया है बाय बाय और हम लोग आ चुके हैं कॉपर गांव। और यहां से जाएंगे हम लोग सीढ़ी, यहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहां से हम लोग कुछ बस या टैक्सी करेंगे, तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और दोस्तों AC से बाहर निकले तो बहुत ही तेज़ जो है धूप लग रही है, अब तो धूप ही लगना है। और सभी लोग आ चुके हैं, हेलो गाइस, सभी लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो अभी चलते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ मिलता है यहाँ से जाने के लिए। तो हम लोग कॉपर गांव से जा रहे हैं सीढ़ी, और यहाँ से जो कॉपर गांव जाने का जो किराया है टैक्सी से वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, 100 रुपीज़ से कम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर आप यदि पूरी गाड़ी बुक करते हैं तो यहाँ पर 1200 रुपये में पूरी है आप गाड़ी बुक करके ले जा सकते हो। तो यहाँ से हम चलते हैं सीढ़ी के लिए कॉपर गाँव, वहाँ पे वाले ने हम लोगों को यहाँ छोड़ दिया है। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं साईं भक्ति निवास, और यहाँ पर हम लोगों का रूम है, तो अभी चलते हैं रूम के अंदर। दोस्तों ये बिल्कुल आपको यहाँ पर कुछ पेमेंट वगैरह करना होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन जो रूम है बुक किए थे, तो अभी चलते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया अंदर। चल हम लोगों ने ऑनलाइन जो रूम बुक किया था, अभी हम लोग ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से हम लोगों को रूम अलॉट होगा कि कौन से ब्लॉक में है, तो यहाँ पर ब्लॉक बाई ब्लॉक हैं ABCD के हिसाब से, तो वहाँ पर हम लोगों को रूम की चाबी मिलेगी। और ऑनलाइन जो पेमेंट है सब कुछ कट हो गया था, तो अभी चलते हैं। और जो रूम हम लोगों ने बुक किया है 2 दिन के लिए किया है, तो एक रूम 600 रुपये का है, तो यहाँ पर 2 रूम हम लोगों ने बुक किए हैं, तो यहाँ पर 2400 रुपये जो हम लोगों ने 2 दिन के दिए हैं AC वाला रूम है। तो यहाँ पर अंदर आ चुके हैं ऑफिस के अंदर, ये है वेटिंग एरिया, और यहाँ पर एक ऑनलाइन और ऑफलाइन के सिस्टम है। तो जैसे आपने ऑनलाइन रूम बुक नहीं किया है, तो यहाँ पर आप आकर ऑफलाइन जो है रूम बुक कर सकते हो, यदि जगह होगी तो आपको जो है रूम दे दिया जाएगा। रूम की जो चाबी है वो मिल चुकी है, और जो हमारा रूम है वो बी ब्लॉक में है, तो अभी बी ब्लॉक में चलते हैं। और रूम नंबर 70 और 68 है, तो अभी चल रहे हैं। और हमारा जो AC वाला रूम है, तो एक दिन का जो किराया है वो 600 रुपये है, तो हम लोगों ने 2 दिन के लिए बुक किए हैं 2 रूम, तो 2400 रुपये किए हुए हैं, तो अभी चलते हैं और फिर इन्जॉय करते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं बी ब्लॉक में, फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर शाम के टाइम मंदिर भी जाएंगे। तो हम लोग अपने रूम पर जा रहे हैं, ये ब्लॉक बाई ब्लॉक है, देखिए यहाँ पर ये जी ब्लॉक है और ये यहाँ पर ई ब्लॉक है, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब भी आप सीढ़ी यदि आप घूमने आते हैं, तो आपको होटल रूम बुक नहीं करना है, होटल रूम बहुत ही महंगे होते हैं, तो यहाँ पर आपको AC वाला रूम 600 रुपये का और नॉर्मली जो रूम होता है वो 250 रुपये का आपको मिल जाएगा 24 घंटे के लिए। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन बुकिंग कर लेनी है, क्योंकि यार दोस्तों यहाँ पर ऑफलाइन थोड़ा सा आपको परेशान हो सकते हो, लेकिन आप ऑनलाइन बुक करके आते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो हम लोग आ चुके हैं अपने रूम पर और अभी अंदर चलते हैं और ये गेट खोलते हैं फिर चलते हैं अंदर। तो हम लोग आ चुके हैं रूम पर, ये दोस्तों रूम है हमारा, यहाँ पर 3 बेड हैं और यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम बढ़िया दोस्तों बहुत ही, और ये दोस्तों ये AC लगी हुई है, तो ये काफ़ी अच्छा रूम है 600 रुपये में, इससे अच्छा तो आपको दोस्तों होटल पर भी नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 और चलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग खिचड़ी खाना खाने के लिए, तो चलते हैं और पूरा आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ हम लोग जाएंगे।
और अभी हम लोग शाम के ही आए हैं, 4:30 बजे अभी घंटा हुआ है हम लोगों को, नहा धोकर तैयार और जा रहे हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। रूम से जा रहे हैं हम लोग बाहर, ये लगी है लिफ्ट, लिफ्ट से जाएंगे हम लोग नीचे और फिर जाएंगे मंदिर। रूम से बाहर आएंगे तो यहाँ पर कैंटीन वगैरह है, यहाँ पर आपको चाय 2 रुपये की मिल जाएगी और कॉफ़ी 3 रुपये की और दूध जो है 3 रुपये का है और मिनरल वाटर की जो बोतल है 1 लीटर की वो 10 रुपये की है। तो यहाँ से आप जो है चाय वगैरह ले सकते हैं, सुबह सुबह आपको नाश्ता ही मिलता है, तो सब कुछ आपको आपके रूम के पास में ही अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से देखिए हम लोगों को बिल मिल चुका है और यहाँ से अब लाइन में लगाना पड़ेगा कॉफ़ी और चाय के लिए। अभी लगते हैं और चाय लेते हैं। 1 रुपये वापस, 1 रुपये भी वापस किया उन लोगों ने। तो अभी सभी लोग कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई चाय, तो मैं तो अभी कॉफ़ी ली है, कॉफ़ी पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। दोस्तों जहाँ पर आपका रूम है साईं भक्ति निवास में, तो आपको यहाँ पर जो है रूम तो आपको मिलता ही है जो आपने पैसे दिए हैं, साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर फ्री में जो भोजन है वो भी आपको मिलता है। तो यहाँ पर सुबह 11 बजे से रात के 9:30 बजे तक आप जो है खाना खा सकते हो। और दोस्तों यदि यहाँ पर जो है बंद हो या यहाँ पर आपको खाना ना खा पाएँ आप, तो आप खिचड़ी जा सकते हो, वहाँ पर रात्रि 10:30 बजे तक जो है खुला रहता है तो आप जा सकते हो। तो अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, देखिए इतनी बड़ी लाइन लगी है, ये बस के लिए लगी हुई है। तो यहाँ से आपके लिए बस आती है मंदिर जाने के लिए और मंदिर से खिचड़ी भी जाती है। तो यहाँ पर ये यहाँ से आपको बस लेने आएगी और आप मंदिर पहुँच जाएंगे। मंदिर से आपको यदि खिचड़ी खाना खाने के लिए जाना है तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो, और वहाँ से आपको वापस यहाँ आना है तो भी बस मतलब अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में। तो हम लोग अभी मंदिर आ चुके हैं और अभी अंदर तो मोबाइल हम लोग ले नहीं जा पाएंगे, तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहां पर मोबाइल जमा होना है और कहां पर आपको जूते चप्पल जमा करनी है, क्योंकि दोस्तों जो है मोबाइल हम अंदर नहीं ले जा पाएंगे तो अंदर का जो वीडियो है नहीं बना पाएंगे। तो यहां पर बहुत हाई सिक्योरिटी होती है, तो मोबाइल हम लोग जमा करते हैं। तो अभी चलते हैं मोबाइल जमा करने के लिए। मोबाइल बैग पर्स और सिर्फ आप अपने पैसे ले जा सकते हैं अंदर और फूल वगैरह भी ले जा सकते हैं। तो अभी चलते हैं और अपना जो मोबाइल है वो जमा करते हैं। ये आप चप्पल जो है अपनी जमा कर सकते हो और मोबाइल आपको इस साइड में जमा करना पड़ेगा। मोबाइल आपको 5 रुपये प्रति मोबाइल के हिसाब से आप जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चप्पल जमा कर दी है, मोबाइल जमा करने के लिए जाएंगे और फिर जैसे दर्शन करके बाहर आएंगे फिर आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हम लोग अपना मोबाइल जमा करते हैं, ऊपर चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं, कम से कम 2 घंटे से हम लोग लाइन में लगे थे और अभी हम लोग बाहर आए हैं जस्ट, और अभी बज चुके हैं रात के 8:30 और हम लोगों को 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं दर्शन करते हुए। तो मोबाइल हम लोगों ने ले लिया है, चप्पल जूते भी ले लिए, अब हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। खिचड़ी तो चलते हैं और वहाँ पर खाना खाने की भूख भी बहुत तेज़ लगी है क्योंकि पूरे दिन से खाना नहीं खाया है। अभी तो हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, फिर खाना खा के आएंगे, फिर घूमेंगे मार्केट, और अभी तो क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई है तो मार्केट भी बहुत बड़ा है और अभी बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। हम लोग आ चुके हैं साईं मंदिर से, यहाँ पर साईं प्रसादालय, तो यहाँ पर चलते हैं खाना खाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर एक साथ कम से कम 5-7 लोग एक साथ खाना खाने के लिए बैठ सकते हैं। तो बस में बहुत भीड़ चल रही थी इसलिए हम लोग अभी जो है आपे से आए, 10-10 रुपये लिए आपे वाले ने, और वहाँ से मंदिर से समथिंग 500 मीटर की दूरी पर है, सो आप पैदल भी आ सकते हो। तो यहाँ पर चलते हैं, आपको टिकट वगैरह भी लेना होता है, कभी कभी फ्री भी होता है तो टिकट लेते हैं, जो भी होगा अभी चलते हैं आगे आपको दिखा देते हैं। टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा, लेकिन आज का जो भोजन है यहाँ पर आज फ्री है, लेकिन आपको फ्री खाना मिलेगा उसके लिए भी आपको टिकट चाहिए होगा, तभी आपके अंदर जाके जो है एंट्री होगी। तो यहाँ से हम लोग टिकट लेते हैं, आप जैसे 5 से 6 लोग हैं तो एक लोग जाएगा वहाँ पर बोलेगा कि हम लोग 5 लोग हैं या कितने लोग हैं, तो वहाँ पर आपको टिकट मिल जाएगा। ये लोग आ चुके हैं टिकट लेके, देखिए इस तरीके का टिकट मिलता है और ये सभी लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। पर हर रोज़ यहाँ पर लाखों लोग जो है फ्री में भोजन करते हैं, सो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं भोजन करने के लिए। तो चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके का आज हम लोगों को प्रसाद मिलता है। सो अभी चलते हैं और वहाँ पर किस तरह की जो व्यवस्था है वो होती है। ये वीडियो डाल देना। हाँ देख सकते हो कि एक बार में कम से कम 8 से 10 हज़ार लोग खाना खा रहे हैं और एक नंबर की जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हो। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं घूमने के लिए आया कि साईंनाथ
महाराज जी के दर्शन करा दूँ और आपको यहाँ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। दोस्तों बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में आप बने रहना। हम लोग खाना खाने के लिए बैठ चुकी हैं और अभी लाइन में बैठे हैं सभी लोग। ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और मधुर भी बैठा है साथ में, वो तो देखे नहीं रहे। अभी तो मैं ही गलत बना रहा हूँ पहला ब्लॉग। आ चुका है, हम लोग खाते हैं खाना और खाते हैं एंजॉय। दोस्तों आप भी आ जाइए, ये साईं बाबा का प्रसाद है। मैंने तो खाना खा लिया है, मैं जा रहा हूँ बाहर हाथ धोने के लिए और वहीं के वहीं थोड़ा सा मेले की साइड में चलेंगे मार्केट घूमने के लिए। देखिए अभी यहाँ पर लोग बाग खाना खा रहे हैं, तो हम चलते हैं बाहर। जब आप खिचड़ी से खाना खा के बाहर निकलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बगल में ही म्यूज़ियम है, तो जाकर आप घूम सकते हो। 10 रुपये का टिकट है। दोस्तों जो अभी हम लोगों ने खाना खाया इसको हम लोग खिचड़ी बोलते हैं, मतलब ये स्थान का नाम है खिचड़ी, लेकिन आपको यहाँ पर खाने के लिए खिचड़ी नहीं मिलती है। आपको पर्याप्त मात्रा में जो प्रसाद है वो दिया जाता है, रोटी सब्जी और दाल चावल और कुछ मीठा होता है। तो हम लोगों ने प्रसाद खा लिया है और अभी बाहर आ चुके हैं और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। अभी रात के बज चुकी हैं 10 और अभी हम लोग मार्केट घूम रहे हैं, तो काफ़ी सुंदर मार्केट है श्रेणी का। तो अभी हम लोग देखते हैं कुछ लेते हैं। और अभी रात के 10:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, जो फ्री बस चलती है यहाँ से हम लोगों को रूम पर छोड़ेगी। तो मंदिर की तरफ से यहाँ पर जो बस है वो फ्री चलती है, तो वेट करते हैं 5-10 मिनट बाद हमारी जो बस है वो आ जाएगी। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भक्ति निवास साईं आश्रम, और दोस्तों ये जो बस है जो मंदिर के लिए फ्री चलती है और जो जहाँ पर खिचड़ी वगैरह आप खाने जाते हैं वहाँ के लिए बिल्कुल फ्री सेवा है बस की। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, चलते हैं रूम पर और थोड़ा बहुत और दिखाएंगे। फिर इसका सोना भी है, बहुत टाइम हो चुका है, बहुत नींद आ रही है, बहुत थक गए जी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, खाते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत थक गए थे, थोड़ा सा ठंडा भी खाना ज़रूरी है। तो अभी बजे हैं रात की 11:30 और हम लोग जा रहे हैं रूम पर, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, कल नया एक और दूसरा वीडियो आएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर कर देना वीडियो अच्छा लगा है। तो दोस्तों मिल रहे हैं नेक्स्ट के लिए, बाय बाय। जय जवाहर, वंदे मातरम।